बढ़ने के साथ ही जोड़ों एवं हड्डियों का दर्द बहुत ही ज्यादा बढ़ता जाता है। परंतु आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन घरेलू उपाय शेयर करने जा रही हूँ, जिसके मदद से आप अपने जोड़ों एवं हड्डियों का दर्द जड़ से समाप्त कर सकते हैं। अगर ये तरीका अगर आप अपनाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आपके हड्डियों एवं जोड़ों का दर्द जड़ से समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं किन चीजों की आवश्यकता होगी। मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं नुस्खा हब यूट्यूब चैनल। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए होगा आक, जिसे हम अकौन भी कहते हैं। आँख हमारे शुगर लेवल को भी कम करता है और शुगर लेवल कम करने के साथ ही हड्डियों एवं जोड़ों का दर्द समाप्त कर देता है। और ये पत्ता में औषधीय गुणों की भंडार होती है, जो कि हमारे हड्डियों एवं जोड़ों का दर्द जड़ से समाप्त करने के लिए कम नहीं है। आज का टाइम में बहुत तरह का मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ उपलब्ध है, परंतु अगर घरेलू नुस्खा यूज करेंगे, कोई औषधीय गुणों या कोई जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अगर आप हड्डियों एवं जोड़ों या फिर कोई ऐसी परेशानियां से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अगर घरेलू नुस्खा या कोई संजीवनी जड़ी बूटियों का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर अच्छा होता है। ऐसी तो आज का टाइम में मार्केट में बहुत तरह का केमिकल से बनाया जाता है, परंतु जड़ी बूटी हमारे हेल्थ के लिए जितना अच्छा होता है, उतना तो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं वीडियो की ओर। आपको सबसे पहले चाहिएगा अकौन, जिसे हम आँख भी कहते हैं। अगर आँख का प्रयोग करते हैं तो शुगर लेवल कंट्रोल करने के साथ ही हड्डियों एवं जोड़ों का दर्द समाप्त कर देता है। थोड़ी सी इसकी पौधा जहरीला होता है, जो कि इसे जानवर इसकी पत्तियां नहीं खाता है, क्योंकि इसका खुशबू थोड़ा अलग होता है। पत्ता थोड़ा जहरीला होता है, पौधा थोड़ा जहरीला होता है, इसी के कारण ये हमेशा के लिए उपलब्ध रहता है। ज्यादातर ये खाली प्रांत में ही उगता है ये पौधा। घरों के आसपास भी ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन घरों के आसपास भी इसका छोटा छोटा पौधा होता है। आइए जानते हैं किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा 3 से 4 पत्तियां, जितना आपके जिस जगह पे ज्यादा दर्द की समस्या है, या फिर तो आप ज्यादा पत्तियां गर्म कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे 3 से 4 पत्तियां गर्म करने वाली हूँ। तो आपको गर्म करने की सही तरीका भी बहुत जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आइए जानते हैं किस तरह से गर्म करना है। अगर आप इसकी पत्तियां का प्रयोग करते हैं तो कुछ बातें ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। अगर आप इसकी पत्तियां का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं, तोड़ने पे इसे सफेद पदार्थ निकलता है, जिसे हम सफेद दूध कहते हैं। तो इसका दूध अगर आँख में पड़ जाता है तो हमें बहुत ज्यादा परेशानियां झेलना पड़ती है। तो पिंपल्स में टच हो जाता है तो पिंपल्स भी बढ़ने की समस्या हो जाती है। इसलिए आप मुंह के आसपास या फिर इधर आप गला के ऊपर कोई भी पार्ट में कान, नाक, आँख, मुंह के आसपास ना ले जाएं। तो आप ध्यान दें कि बड़ा ही आदमी का प्रयोग करना है। बड़ा जो लोग होंगे वही लोग ज्यादा इस पत्तियां का प्रयोग करें। बच्चों का तो बिल्कुल भी ना दें ये पत्ता। अगर देते भी हैं तो आप ध्यान से दें और खुद से करें, उससे ना टच करें। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जो व्यक्ति बड़े हैं वही व्यक्ति प्रयोग करें। चले जाते हैं। सबसे पहले आपको पत्तियां वॉश करना है, और इस पत्तियां को गर्म करने के लिए आपको चाहिएगा तवे। तवे का प्रयोग बहुत तरह से किया जाता है, परंतु कौन सी तवे का प्रयोग करना है वो भी जान लीजिए। अगर तवे का प्रयोग करते हैं, तवे पे गर्म करते हैं, तो आपको जो आप कम से कम टाइम उस तवे का प्रयोग करते हैं, वही तवे का प्रयोग यहाँ भी करना है। मान लीजिए जो ताव का प्रयोग नहीं करते हैं, वही ताव का यहाँ पे प्रयोग करें। तो मेरे पास, अगर आपके पास डबल ताव नहीं है तो एक ताव है, तो एक ताव पे प्रयोग किस तरह से गर्म करना है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक ही ताव है, तो मैं किस तरह से करूंगी वो भी मैं बता देती हूँ।
आपको लेना है ताव और इसे ताव को पलट कर बनाए, जिस तरह का से मैं बना रही हूँ ठीक इसी तरह से ताव को पलट ले और पत्तियों में अच्छी तरह से सरसों का ऑयल मसाज कर ले पत्ता में और ये पत्ते को गर्म करें। मैं यहाँ पे 3 से 4 पत्ता गर्म करूंगी और मैं किस तरह से यूज करूंगी वो भी मैं बता देती हूँ। औषधीय गुणों का भंडार है, अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस तरह से मसाज करना है ऑयल और इस तरह से आपको जिस जगह पे दर्द है उस जगह पे इसे ऑयल और हल्दी मसाज कर लें। उसके बाद फिर इस ये गर्म पत्तियां अपने जोड़ों हड्डियों पे जहाँ पे दर्द है, दर्द की समस्या है उस जगह पे इस पत्तियों को इस तरह से लपेट लें। गर्म पत्ता हो सके तो आप गर्म पत्ता लपेटें और गर्म पत्ता हमारे दर्द को खत्म करता है। गर्म पत्ता और ये पत्ता का तासीर गर्म भी होता है, इसीलिए इस पत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इस तरह से मसाज करके और आपको इस तरह से पत्ता को लपेटना है और धागे से लपेट दें और फिर कोई गर्म कपड़ा से इसे गर्म करके यहाँ पे टच करें ताकि गर्माहट हो हमारे शरीर में, गर्माहट की वजह से दर्द कम हो जाती है। तो इसलिए इस तरह से प्रयोग करें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, हेल्पफुल रहा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का कुछ ऐसे सोशल मीडिया का लिंक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहां से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।